नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब आगामी चुनाव 2022-23 से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बार फिर से शासकीय योजनाओं पर विशेष फोकस करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में जल जीवन मिशन में 11,000 करोड़ से अधिक की पुनरीक्षित योजनाएं मंजूर की गई हैं। इसके तहत 6,000 से अधिक गाँव और शामिल हुए हैं। जल जीवन मिशन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 11,100 करोड़ 72 लाख का पुनरीक्षित 25 समूह जल प्रदाय योजनाएं मंजूर की हैं। मध्य प्रदेश जल निगम इन जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण कार्य का प्रारंभ कर रहा है। वहीं अब इन योजनाओं से भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, नर्मदापुरम, सागर और ग्वालियर संभाग के 18 जिलों की ग्रामीण आबादी को हर घर नल के कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं मिशन की जल प्रदाय योजनाओं से 6,261 गांवों के 9,34,000 से अधिक परिवारों को पेयजल की सुविधा मुहैया होगी। ये योजनाएं भोपाल, विदिशा, रायसेन, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, छिंदवाड़ा, मंडला, खारगोन, बैतूल, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया और शिवपुरी जिले की 71 लाख से अधिक ग्रामीण आबादी की पेयजल की जरूरतों को पूरा करेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में जल जीवन मिशन में हो रहे कार्यों में अब तक 51,15,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों के उनके घर पर नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। करीब 5,300 गांव ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक परिवार तक नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है। मिशन में प्रदेश की ग्रामीण आबादी को उनके घर पर ही नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने के लिए जल प्रदाय योजनाओं के कार्य वृहद स्तर पर चल रहे हैं, जिनमें 8,000 से अधिक गांव में 70 से 90% और 16,300 गांव के कार्य 70% तक पूर्ण हो चुके हैं। इसी महीने में 6,000 से अधिक गांव की पेयजल व्यवस्था के कार्य प्रारंभ कराए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।